नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल में आज विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवऋषि नारद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा और उनके अलावा सम्मानित पत्रकार भी पहुंचे। सभी ने मंच के माध्यम से देवऋषि नारद को प्रणाम कर आज की पत्रकारिता के बारे में अपने अपने विचार रखे। मंच के माध्यम से उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे पहले सूचनाओं का प्रसार करने वाले केवल देवऋषि नारद थे, जिन्हें आज के समय में प्रथम पत्रकार माना जाता है। देव ग्रंथों और वेदों में बताया गया है कि वही एक लोक से दूसरे लोक तक लोगों को सूचनाएं पहुंचाते थे, इसलिए देवऋषि नारद को आज के समय में पत्रकार कहा जाता है और पत्रकार उन्हें देवऋषि नारद को अपना गुरु भी मानते हैं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। नारद मुनि जयंती मनाई गई है, इसके दो शब्द जी। आज नारद जयंती के अवसर पर सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए थे, उन सबके बीच में यही डिस्कशन हुआ कि भी समाज के अंदर अच्छा वातावरण है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, तो उन सब कामों को समाज के सामने लाना, एक सकारात्मक भूमिका में मीडिया को अपना रोल अदा करना, ये कई हमारे पत्रकार बंधुओं ने उसमें बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए कि समाज में आशावादी दृष्टिकोण लोगों का बने, समाज निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लोगों की सहभागिता बढ़े और वो हम सब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, इस भूमिका को बढ़ाने के लिए हमारे जो मीडिया की भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम चौथे स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। पत्रकार को नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए? देखो जी, पत्रकार को खबरों के मामले में समानांतर होना चाहिए, उसको निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी खबरें होती हैं कि भी हम उसको किस एंगल में प्रस्तुत करते रहते हैं, उसकी जो हकीकत है, रियलिटी है, वो हमें लोगों के सामने ले जाना और उसका कोई एंगल ना बने, कोई सांप्रदायिक एंगल या दलित स्वर्ण का एंगल, इस बात का ध्यान रखें ये तो। और हमारा मीडिया इसमें खासकर भूमिका निभाता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सी खबरों को किस प्रकार से दिखाना, कई बार छोटी खबरें होती हैं लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर लगाम नहीं है और उसकी प्राथमिकता बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उसके अंदर फेक न्यूज, जिसके कारण से अफवाहें फैलती हैं बड़ी जल्दी, ऐसे इस प्रकार के र्यूमर बनते हैं और बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे बिहार में इस प्रकार की एक घटना सिर्फ मात्र सोशल मीडिया पे फेक न्यूज के कारण हो गई। तो मुझे लगता है कि भी सरकार को इस दिशा में जो सोशल मीडिया के जो चलाने वाले फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह के हाउस हैं, उनके साथ मिलकर के इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि उन फेक न्यूज के ऊपर लगाम लगे, बैन हो और ऐसा करने वालों को सजा मिले। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता के फिर पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, थोड़े विस्तार से। आज हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के लिए पत्रकारिता की एक अहम भूमिका है और आज मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे वो प्रिंट मीडिया का है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, उसको देश हित में एक पॉजिटिव दृष्टि के साथ जो है एक अपने समाचारों को पहुँचना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो है देश, राष्ट्र जो है वो पहले है। तो पत्रकारिता में यदि हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो उस पर एक निर्माण, अच्छे समाज के निर्माण में हम अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज महर्षि नारद के जो है जयंती के अवसर पर जो एक धरती पर एक पहले पत्रकार माने जाते हैं, तो उनकी याद में जो ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसमें हमें ये एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक समाज को एक नई दिशा देने वाले, एक राष्ट्र को मजबूत करने वाली बात को जो है वो दिखाएं, लिखें, लेखनी से लिखें, ताकि हमारा देश महान बने, हमारा देश पूरे विश्व में एक अपने एक पताका लगाए, यही हमारी आज। मेरा प्रश्न है कि जैसे कि सोशल मीडिया चला हुआ है, बेलगाम है, मिसगाइडेड मिसाइल है, क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी होनी चाहिए? वास्तव में जो पहले जो टीवी चैनल्स थे वो एक नियम के अनुसार, उन्हें एक अखबार थे, उनको भी एक नियम के अनुसार सरकार से परमिशन लेकर दिखाना होता है, उनके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी होती है जो समाचारों पर वो देखती है कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बिना उसके रोक टोक के ना लिख सके। तो ये जो सोशल मीडिया जो आया, हर व्यक्ति अपने मोबाइल के हाथ में लेकर वो उसको फेसबुक पे दिखा देता है, उस पर दिखा देता है, तो एक इससे जो है एक ऐसी भावना भी जाती है कि कोई व्यक्ति जिसको जिस मर्जी एंगल से दिखा दे, तो इसके ऊपर भी चेक होना चाहिए, इसके ऊपर एक आचार संहिता बननी चाहिए और जो एक मीडिया का जो है रोल है वो इस तरह की बढ़ती हुई सोशल मीडिया से जो है वो काफ़ी जो है
अब मेरे को लगता है कि ये काफ़ी खतरनाक रहेगा, इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चेक लगाए, उनके नियम बनाए, उनके ऊपर एक उनकी एक आचार संहिता कायम करे, ताकि उस आचार संहिता के अंदर रहकर वो समाचारों को दिखा सके अपनी मर्जी से नहीं। यदि आप अपनी मर्जी चलता रहा तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये खतरे की घंटी साबित होगी।